बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। दिस इज़ हमना बिनत शहज़ान। आर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे अपनी गौहर इंग्लिश प्ले ग्रुप क्लास का एक नया लेटर, और वो लेटर हमारे पास है लेटर डी। हमेशा याद रखिएगा कि लेटर डी इज़ द नेम ऑफ लेटर, ये उसकी साउंड नहीं है। हम थ्रू आउट द बुक पढ़ रहे हैं फोनिक्स के थ्रू, हम थ्रू आउट द बुक पढ़ रहे हैं हमारी साउंड्स के थ्रू। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे अपनी साउंड्स को। तो साउंड क्या है लेटर डी की, डी ड। व्हाट इज़ द साउंड ऑफ लेटर डी, डी ड, डी ड। अब आपको ये साथ एक पिक्चर नज़र आ रही है, ये पिक्चर क्या शो करती है, ये पिक्चर शो करती है कि बेसिकली एक्शन क्या है लेटर डी का। लेटर डी का एक्शन है डी ड, डी ड। जैसे कि आप देख सकते हो, जस्ट अपने फिंगर्स को और अपने थम्स को आपने यू रखना है, देन उसके बाद पुश करना है नीचे की तरफ एज इफ यू आर प्लेइंग अ ड्रम। डी ड, डी ड, डी ड, ये लेटर डी की साउंड थी। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ लेटर डी, ड। What is the sound of letter D? D. अब चलते हैं vocabulary की तरफ, vocabulary। और हम learn करेंगे कुछ new words जो कि बनते हैं D से, जैसे कि did, dog, did, dice, did, doll, did, dinosaur, did, dolphin, did, deer, did, donkey, did, drum, did, duck। अब आते हैं पेज नंबर 22 पे। ये बुक का टाइटल है जस्ट ग्रैब दिस बुक फ्रॉम योर बैग, और ये हमारा पेज नंबर 22 है। तो क्या करेंगे हम, डी ड डक, डी ड डायनासोर, डी ड ड्रम, डी ड डॉल्फिन, डी ड डाइस। अब एक ये गेम है, इसमें हम सिर्फ उसी पिक्चर को ग्रीन कलर से टिक करेंगे जो डी ड से स्टार्ट होती होगी। क्या फ्रॉग होता है, नो। क्या एग होता है, नो। क्या बनाना होता है, नो। तो डी ड डॉग इज द करेक्ट आंसर। एक और एक्टिविटी, इस मिडिल बॉक्स में सिर्फ वो ही वाले आइटम्स मूव करेंगे जो डी ड से स्टार्ट होते हैं। क्या पैरट स्टार्ट होता है, नो। डायनासोर, यस। डी ड डायनासोर, डी ड डॉल्फिन, डी ड डक, डी ड डोर, डी ड डॉग। व्हाट अबाउट एप्पल, ये स्टार्ट होता है नो, तो ये हमारा मूव नहीं करेगा। नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, ये गेम हम फ्लैश कार्ड के थ्रू भी खेल सकते हैं। आप दो या चार पिक्चर जो फ्लैश कार्ड्स हैं वो रख सकते हो, उनमें से दो या एक फ्लैश कार्ड ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी रेलेवेंट साउंड से स्टार्ट होना चाहिए। उसको देखते हुए अब हमारे पास कुछ पिक्चर्स आएंगी, कभी तीन पिक्चर्स आएंगी, कभी चार पिक्चर्स आएंगी, उनमें से दो पिक्चर्स वो वाली होंगी जो कि ड से स्टार्ट होती होंगी, और हमें वो पिक्चर्स गेस करनी है। सो अब हम चलते हैं गेम खेलने की तरफ। जी लेट्स सी, देयर आर थ्री पिक्चर्स, डॉक्टर, डक एंड टाइगर। कौन सी दो पिक्चर्स स्टार्ट होती हैं, यस डॉक्टर एंड डक। नेक्स्ट टू पिक्चर्स हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं हमारे पास क्या है, अगेन थ्री पिक्चर्स हैं, डॉग, बुक एंड डायनासोर। और कौन सी पिक्चर ड से स्टार्ट होती है, यस डायनासोर एंड डॉग। अगेन नाउ, अब मैं पिक्चर्स के नाम नहीं बताऊंगी, पिक्चर्स के नाम मुझे आप बताएंगे, लेकिन गेस करें कौन सी स्टार्ट होती हैं, डोंकी एंड डॉल्फिन। नेक्स्ट डायनासोर, डॉल एंड बटरफ्लाई, और कौन सी दो स्टार्ट होती हैं, डायनासोर एंड डॉल। यस अगेन थ्री पिक्चर्स, डाइस, एप्पल एंड डोनट। कौन सी स्टार्ट होगी, डाइस एंड डोनट। अब राइटिंग, राइटिंग के लिए अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आपकी पोजीशन ये होगी, और आपकी लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो ये डायरेक्शन होगी।
अपने फिंगर से और पॉइंटिंग फिंगर से, अपने थंब से और पॉइंटर फिंगर से आपने ये ओके का साइन बनाना है, तो आपकी पेंसिल की जो ग्रिप होगी वो अच्छी होगी। नाउ अब हम राइटिंग की तरफ चलते हैं। राइटिंग हमारे पास क्या है, हम दो टर्न्स में लिखना स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट टर्न वन इज माई टर्न, आपने मेरे साथ हवा में लिखना है, एयर में अपनी फिंगर को मूव करना है। तो किस तरह लिखेंगे हम, यस ये स्क्रीन डॉट से स्टार्ट करेंगे। जिस डायरेक्शन में पेंसिल मूव करेगी आपने अपनी फिंगर को उस डायरेक्शन में मूव करना है। लाओ ये स्टार्ट फ्रॉम द ग्रीन डॉट, मेक ख गो अप हायर, बैक डाउन एंड स्टॉप। नेक्स्ट योर टर्न, अब आपने भी इसको इसी तरीके से करना है पेंसिल के साथ, इंस्ट्रक्शंस को देखते जाएं। यस यस एंड दिस वे। नाउ राइटिंग की तरफ चलते हैं। जी जैसे कि हम आपको राइटिंग नज़र आ रही है, राइटिंग में हम देख सकते हैं कि अब कैसे हमने लिखना सीखना है। यस डी को हम लिखना सीखेंगे कैसे, सिंपल दो डायरेक्शंस में लिखना सीखेंगे, जैसे कि अभी हमने देखा भी। और वो टू डायरेक्शंस क्या हैं, वो टू स्टेप्स क्या हैं, हम डी को बेसिकली टू स्टेप्स में लिखना सीखेंगे। और वो टू स्टेप्स हमारे पास क्या हैं, एक स्टेप हमारे पास है कि हम इस इधर से स्टार्ट करेंगे और इधर से स्टार्ट करते हुए हम बेसिकली बनाएंगे अपना ये सी लाइक दिस वे, ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे, इस तरह बनेगा हमारा डी। और आपने इसी तरीके से जब डी लिखना है तो सी बनाकर ऊपर जाना है। आप हमेशा डी लिखते हुए पहले सी बनाओगे, देन ऊपर जाओगे और फिर यहाँ से नीचे आओगे, ये होता है डी। अब निचली एक्टिविटी हमारे पास क्या है, से द नेम ऑफ द पिक्चर एंड टिक द बिगिनिंग लेटर। जी ड्रम बी से भी स्टार्ट नहीं होता, डी से होता है, सी से भी नहीं होता, तो हम टिक करेंगे ड के ऊपर, हम टिक लगाएंगे ड के ऊपर। अब देखते हैं कि लेटर डी से हम क्या आर्ट एंड क्राफ्ट बना सकते हैं, डॉग बना सकते हैं, डायनासोर बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।